Good afternoon, everyone. My name is Ajay. I am CSE of B.Sc. Second Year Mathematics Department. Today we are here to discuss on a topic, how we can make internet accessible. So I would like to start the discussion with introduction. My name is Desmond. I am from B.Sc. Second Year class. I am here to represent my views on the topic how we can make internet accessible and better for students. A warm and prodigious morning. Good afternoon, everyone. Here I am, Pooja Huda, interacting with you on how to make internet a better place. My name is Ken from B.Sc. Second Year Department of Mathematics. Today we are here for discuss on the how to make an internet safer place. Good afternoon, everyone. I am Anjali from the second year from the Department of Mathematics, and today we are here for the discussion on how to make our internet safer place. Good afternoon, everyone. I am Anjali from the second year Department of Mathematics. Today I am here for group discussion on the topic how to make internet a safer environment. Good afternoon, everyone. I am Anshu from B.Sc. Second Year Department of Mathematics. Today I am here for group discussion of topic how to make internet a safer place. Without any use, we should use limitations and we should
अपनी बातों में उलझा लेते हैं, वो टीवी वगैरह जाने के लिए या कुछ भी, तो एल्डर्स उनकी बातों में ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं, तो उनको हमें एजुकेट करने की नीड है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें डबल स्टैप वेरिफिकेशन वगैरह एक्टिव करना चाहिए अपने एप्स वगैरह में, ताकि हम उसको अच्छी तरह से अपने लिए सेफ बना सकें। और भी लेयर्स प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करनी चाहिए, कोई भी फेक ऐप्स वगैरह या फिर कोई भी डेटिंग वेबसाइट्स वगैरह को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और हमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे कि गूगल के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स हैं जो हमारा डाटा सेव कर देती है और बाद में उसका मिसयूज़ करती है। तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और इसमें हम इंटरनेट को सेफ बना सकते हैं। इन बातों के
है कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा गलत यूज हो रहा है। सोशल मीडिया आजकल पॉलिटिक्स का जो व्हीकल बन चुकी है, इसको रोकने के लिए हमें उसको करना चाहिए कि जितनी फेक न्यूज़ होती है उनकी क्लास में रिपोर्ट करनी चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड क्या है कि हम जितने फेक अकाउंट्स देखते हैं उनके खिलाफ हम FIR भी करवा सकते हैं और हमारे साइबर सेल्स जो होती हैं उनके जरिए रिपोर्ट हो सकती है, तो जो अकाउंट होंगे वो बंद हो जाएंगे और इससे क्या होगा कि जितनी भी जो न्यूज़ थी वो रिपीट हो जाएंगी और आगे फैलेगा। शाइन में और हाईलाइटर में काफ़ी फर्क होता है, तो
There is no doubt that internet provides many opportunities in this era, but we should know how to make internet a safer place. And here today we discussed some many useful points which can be useful. So here today we discussed many several points which can be useful. So I would like to conclude my today's GD discussion by using some menu our today's GD discussion. So सबसे पहले hacking को रोकने के लिए हमें latest version download करना चाहिए ताकि हम previous जो version है उनकी malpractice से बचे ज़्यादा से ज़्यादा. दूसरा point हमने discuss किया है cyber bullying को रोकने के लिए लोगों को aware होना चाहिए, उनको ऐसा content upload नहीं करना चाहिए जो दूसरे की life को affect कर सके. और तीसरी बात जो हमने discuss की आज के लिए कि kids को कैसे protect किया जा सकता है, kids के लिए एक safe जगह है उनकी प्लेटफॉर्म दिया गया है हर साइट पे, उनको वही यूज करना चाहिए अपनी एज लिमिट के अकॉर्डिंग. पेरेंटिंग कंट्रोल वो एक सोसाइटल मैटर आ जाता है. उसके बाद में फोर्थ पॉइंट हमने ये डिस्कस किया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होना चाहिए एज अ अडल्ट. वी शुड बी केयरफुल बाई यूजिंग दिस इंटरनेट. थैंक यू एंड वन डे वी कैन मेक दिस.